फॉर योर प्रेजेंस ओ लॉर्ड। आइए इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर पिता की महिमा करें, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर हमारे मांगने से ज्यादा जो है से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा
अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो हमारा जो परमेश्वर, हमारा जो भरोसा है,
हमारा जो विश्वास है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर पिता की ओर होना चाहिए, उसके ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। क्यों ये वाली बातें हो जाती हैं, क्यों हम
परेशान हो जाती है कि उसके पास बहुत अच्छा है, उसका घर बहुत अच्छा है, उसके बच्चे बहुत अच्छे हैं, उसके घर में सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास भी क्यों नहीं। तो कई बार इंसान इन्हीं बातों को सोचता है कि उसको उसको जो है अच्छी पोस्ट मिल गई, हमको नहीं मिली। तो लेकिन जब हम बोलते कि हे हमारे पिता, हमारी प्रार्थना इस बात से शुरू होती है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, हम सब मिलकर बोलते हैं, हम सब इसी बात को बोलते हैं हमारे पिता तू, जब वो हमारा पिता है, हम सबका पिता है। तो यदि किसी को कम या ज्यादा मिलता है, किसी की लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है, कोई बाहर जा रहा है, जहाँ कहीं जो आ रहा जा रहा है, तो उनको देखकर, दूसरों को देखकर, जो कई बार इस बात की, जिस प्रकार से केन और हाबिल में क्या हुआ था, हाबिल ने तो जो था अपना बेस्ट चढ़ाया, लेकिन केन ने क्या किया था उसके साथ में, उसको लगा कि इसकी परमेश्वर ने इसकी बहन को क्यों स्वीकार किया। तो ये वाली जो चीजें चली आ रही है वो आज भी हमारी लाइफ में, लेकिन जब हम एक ही बात को हम बोल रहे हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, हम सब मिल रहे हैं, हम सब एक साथ इस प्रार्थना को हमको बोलना सिखाया है। तो जब हे पिता वो सबका पिता है, तो फिर हमारे में ये वाली बात क्यों हो जाती है, क्यों हो जाती है कि उसको जो है उसको किसी कमेटी में ले लिया गया जज की, हमको नहीं लिया गया, उसको जो है बहुत अच्छा परमेश्वर के द्वारा दिया गया, उसको लोगों ने भी जो बहुत बढ़ा दिया, लेकिन हमें क्यों नहीं। तो ये वाली चीजें जब हमें परमेश्वर में है, और मैंने कहा ना जो पूरी प्रार्थना है हमारी, ये पूरी प्रार्थना अगर इसका एक छोटा सा भी अंश यदि हमारे अंदर है, तो हमारी लाइफ में ब्लेसिंग होती है। और यदि पूरी ही बातें यदि हमारे अंदर इस प्रार्थना के द्वारा, हमने जाने कितने वर्षों से हम इस प्रार्थना को बोल रहे हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तो जो वो है हमारा पिता, हम सबका पिता है, हम सबका पिता है, हुए थे हम सब अपना पिता मानते हैं, एक साथ एक जुट में होकर, एक लय में होकर इस प्रार्थना को यदि बोलते हैं, तो फिर हमारे अंदर ये लड़ाई झगड़ी क्यों, फिर हमारे अंदर जो है मन मोटाव क्यों, हमारे अंदर ये कड़वाहट क्यों, एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर बुराइयां क्यों किसी के प्रति, यदि वो हमारा पिता, हम सब उसके एक ही संतान है, हम सब मानते हैं कि हाँ वो हम सबका यदि पिता है। हम तो लोगों को और आत्माओं को बचाने का काम करते हैं ताकि वो भी आए और वो भी इस बात को बोले कि हाँ वो हमारा सब, हम सबका पिता है, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। तो जब यदि हमारे में अंदर वाली चीजें हैं, तो फिर ये चेंजेस तो सबसे पहले हम भी हमारे द्वारा शुरू होंगे। तो जब हम इस बात को बोलते हैं कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि वो जो परमेश्वर है वो स्वर्ग से झुक कर अपने लोगों की ओर देखता है, निहारता रहता है, उसके आगे धर्मियों को खोजती रहती है, पूरे समय धर्मियों को खोजती रहती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ना तो मिलता है और ना सुनता है। तो हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और यहाँ पर वचन हमें बताता है, पहला पत्रस उसके 17 वर्स में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा कि हम जो है ना हर बातों में हमारी आत्मा के साथ में जो है ना हम प्रार्थना करते हैं, और हम हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हम सब एक ही पिता के संतान हैं, हम सब एक ही पिता के संतान हैं, तो हमारे अंदर ही लड़ाई झगड़े क्यों, हमारे अंदर ये सारी बातों का मन मोटाव क्यों, यदि हम इस प्रार्थना को बोलते हैं। और यदि हम लोगों को बुलाते भी हैं, हम चाहते कि और भी आत्माएं बचाई जाए, परमेश्वर को जो जीवता परमेश्वर है, जो कि हमें उद्धार देने के लिए आया है, उसको वो जान सके, तो सबसे पहला मतलब हमारे अंदर हो कि इस प्रार्थना के द्वारा जो हम करते रहते हैं, हम वर्षों से करते आ रहे हैं, तो हे पिता वो हम सबका पिता है, तो हमारे अंदर ही वाला बदलाव होना चाहिए कि हम बोल सके हे हमारे पिता, तो वो सबका यदि पिता है, तो हमारे अंदर गलत बातें नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर कड़वाहट, वो बुराइयां, वो बुरी बातें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे भाई बहनों बहन तो है, वो हमारे भाई बहनों को तो मिल रहा है, फिर क्यों हमारे अंदर जो ये वाली बातों का मन मोटाव हो जाता है। पहला पत्रस उसके 17 में लिखा, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, वचन पहला पत्रस उसके 17 वर्स में लिखा है कि और जबकि तुम हे पिता कहकर प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। हम सब हे पिता कहकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और वो परमेश्वर जो है बिना पक्षपात के हमें अपने कामों के अनुसार जो है परमेश्वर जो है हम सबका न्याय करते हैं। आगे जिस प्रार्थना को हम बहुत अच्छे से बोलते हैं कि तेरा राज्य आए, तेरी राज्य आए, तो जब हम जिस भी कंडीशन में आप बैठे हैं, आप उस वक्त बहुत परेशानी में है, आपके और चारों ओर बीमारियों का माहौल है, आपको डॉक्टर ने जो है वो पूरी रिपोर्ट्स दे दी, और आप उन रिपोर्ट्स को सामने लेकर आप परमेश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हैं, और डेविल ने जो इस प्रकार से माहौल क्रिएट कर दिया हुआ है, लेकिन जब हम बोलते हैं कि हे पिता तेरा राज्य है, तो उसके राज्य में क्या है, उसके राज्य में तो सिर्फ और सिर्फ महिमा ही महिमा है, उसके राज्य में सिर्फ महिमा होती रहती है, वापस वक्त सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा को करते हैं, तो हम उसके राज्य को बोलते हैं कि परमेश्वर पिता तेरा राज्य आ जाए, तो उसके राज्य में क्या, उसके राज्य में जो है कुछ भी मन मोटाव नहीं है, वहाँ पे बुराइयां नहीं है, वहाँ पर एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं है, वहाँ पर एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पर
और सिर्फ परमेश्वर की महिमा है तो हम इस बात को बोल देंगे परमेश्वर पिता तेरा राज्य आ जाए, तो उसका राज्य। और हम जो डेविल भी उस बात को जब सुनता है ना कि अरे सब परमेश्वर का कैसा रिलेशन है कि परमेश्वर के राज्य को लाने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर, तो परमेश्वर के राज्य में क्या है? और हम बोलते हैं परमेश्वर पिता तेरा राज्य आ जाए, हम जिस भी जगह पे प्रार्थना करते हैं खड़े होकर बैठ कर हम बोलते हैं परमेश्वर पिता तेरा राज्य आ जाए, तो उसके राज्य में क्या है? उसके राज्य में ना तो बुराइयां है, ना कड़वाहट है, ना भेदभाव है, किसी प्रकार की कुछ भी बुरी बात उसके राज्य में तो है ही नहीं। तो जो उसका राज्य है हम बोलते हैं कि परमेश्वर पिता तेरा राज्य आ जाए, तो उसके राज्य को जब हम बुलाते हैं उसके राज्य की हम कल्पना करते हैं कि परमेश्वर पिता अपने मुंह से हम अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर तेरा राज्य आ जाए, तो जो उसके राज्य में है तो हमको जो है हमारे अंदर वो चीज होनी चाहिए कि हमारे परमेश्वर पिता के राज्य में क्या है। हम बोल दो आसानी से देते कि पिता जो तेरा राज्य है तो उनका राज्य क्या है? उनके राज्य में तो सिर्फ उसे महिमा है। उन्होंने तो कहा कि जो बुराई है उस बुराई को भी तुम मत देखो किसी की। उन्होंने कहा तुम जो है हमेशा मैंने तुम्हारे सारे पापों को पीछे की फेंक दिया है, तो हम क्यों दूसरों की बातों को करने लग जाते हैं? हम क्यों उसके पास्ट को ले लेते हैं? हम क्यों दूसरों का हम जजमेंट करने लग जाते हैं? क्योंकि हमारे परमेश्वर के राज्य में तो ऐसा नहीं है। हमारे परमेश्वर सबके पापों को माफ किया, उन्हें तो हमारे पापों को जो कहा कि जो तुम्हारे पाप में जाए वो अरमानी रंग के क्यों ना, लेकिन वो ही के नहीं वो श्वेत हो जाएंगे। तो जब वो इन बातों को करते हैं कि परमेश्वर आपका राज्य आए, आपका राज्य आए, तो हम उसके राज्य में भी बुला रहे हैं, तो उसके राज्य में तो सारी चीजें हैं। तो ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमारे अंदर जब बातें होंगी और जिन शब्दों को हम बोल रहे हैं, जिस प्रार्थना को हम बोल रहे हैं कि परमेश्वर पिता जो है तेरा राज्य आए, यहाँ पर वचन बताता है फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। तो परमेश्वर जब बोलते हैं पिता तेरा राज्य है, तो कई बार हमें अपना त्याग करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। यीशु मसीह ने यहाँ पर परमेश्वर पिता से प्रार्थना को किया था, तो इस प्रार्थना के अंदर त्याग और समर्पण होता है हमारा। उन्होंने यीशु मसीह जब यहाँ पे प्रार्थना की थी परमेश्वर पिता से कि परमेश्वर पिता यदि हो सके तो ये कटोरा तेरे सामने से टल जाए, तो हम अपनी इच्छाओं को त्याग करते हैं, हम अपनी इच्छाओं को त्याग करते हैं और जाकर परमेश्वर पिता से जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है हम उस प्रार्थना को हम दोहराते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर अकेले जाकर प्रार्थना करना, अकेले जाकर यीशु मसीह जो था उन्होंने चेलों को रोक दिया था, अकेले जाकर प्रार्थना क्या करते थे। और प्रार्थना को हम इस वाली प्रार्थना को हम दोहराते हैं कि परमेश्वर पिता हे हमारे पिता, तो मेरे हे हमारे पिता हम क्यों कहते हैं परमेश्वर को। तेरा राज्य है तो उसके राज्य में क्या है? वो चीजें हम जो है हम जहाँ पर बैठे होते हैं और जब हम इस प्रार्थना को बोल रहे हैं तो ये वाली चीजें ना ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी जब बोलते हैं परमेश्वर पिता तेरा राज्य है आगे। और जो ये प्रार्थना है हमारी हमको त्याग और समर्पण को सिखाती है, हमें सैक्रिफाइस करना सिखाती है कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर पिता तेरी इच्छा पूरी हो, और यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए। हम इस बात को बोलते हैं कि परमेश्वर पिता चाहे कुछ भी हो यदि आपकी इच्छा हो, तो हम परमेश्वर की इच्छा को हम बोल रहे हैं कि परमेश्वर पिता आपकी इच्छा पूरी हो जाए। तो यहाँ पर त्याग है, यहाँ पर समर्पण है कि यीशु मसीह ने वहाँ पर जेलों से हटकर वो उस दुख में उस तकलीफ में वो आके वहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। और परमेश्वर को तो मैंने कहा ना कि हमें इस बात को ये प्रार्थना सिखाती है कि त्याग और समर्पण भी होना चाहिए। जब परमेश्वर ने इसहाक को अब्राहम के उन्होंने जैसे ही कहा परमेश्वर ने कि जो तुझे अपने इस बेटे को बलिदान करना है, तो उसका समर्पण उसका त्याग परमेश्वर ने देखा कि वो बिल्कुल तैयार था, उसको तैयार था, उसके अंदर ही वाली बात थी कि मेरा जो परमेश्वर पिता है वो उपाय को करेगा, वो इस बात को जानता था, उसके मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं। तो हमारे परमेश्वर जो है हमारे मनों को जांचता है, परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है परमेश्वर। तो जब हम इस बात को बोल तो देते हैं कि परमेश्वर पिता तेरा राज्य आए, उसके बाद हम जब बोलते हैं इस वाली बात को कि परमेश्वर पिता तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी, तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा वहाँ पर थी कि जो अब्राहम है वो इसहाक को जो है वहाँ पर बलि कर दे। तो परमेश्वर जब उनके मनों को जांचा तो क्या हुआ? उसके अंदर वो चीज थी, वो आत्मसमर्पण था, वो त्याग था, जैसे यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने शरीर का उन्होंने त्याग किया था, अपनी इच्छाओं को उन्होंने त्याग किया था। मालूम था कितना दुख कितना कष्ट मुझे सहन करना। तो जो हमारी प्रार्थना है ना बहुत आसानी से बोल देते वाली बात कि परमेश्वर पिता आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो, तो हमें हमारे अंदर क्या वो त्याग है, क्या वो समर्पण है? कई बार हमारी बॉडी हमको बोलती है कि नहीं नहीं तुम आराम करो, अभी इतनी जल्दी क्यों प्रेयर कर रहे हो, अभी थोड़ी सी देर और सो लो,
हमारे जो घुटने तैयार नहीं हो पाते, लगता है दिन भर की बहुत थकान हो गई है, तो हमें कई बार अपने अपने जो इच्छा है ना उनका हमें त्याग करना पड़ता है, उनका समर्पण करना पड़ता है। तो अब्राहम ने क्या किया था, वो अपने बेटे को भी लेकर चलता बना था, उसने त्याग परमेश्वर उसके उस त्याग को समर्पण को देखा कि एक इकलौता बेटा जो इतने वर्षों बाद मैंने दिया उसको भी वो जो है वो बलि करने के लिए तैयार हो गया। तो अब ये जो प्रार्थना है ना हमें त्याग और समर्पण को सिखाती है कि आप बोल तो आसानी से देते हैं कि परमेश्वर बेटा तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है स्वर्ग में उनकी हर एक इच्छाएं पूरी होती है, लेकिन हमेशा परमेश्वर की इच्छा की जो अवहेलना की ना मनुष्य ने की है। परमेश्वर ने कहा था आदम और हव्वा को कि तुम जो इस फल को नहीं खाना, लेकिन वो जो फल था उनको इतना मन भाव लगा कि उनको त्याग और समर्पण नहीं कर पाए, वो त्याग नहीं कर पाए क्योंकि वो जो फल था देखने में सुंदर था और वो मन भाव था, मन को भाने वाला था वो फल। तो त्याग और समर्पण जो है ना हमारे अंदर होना चाहिए। हम इस प्रार्थना को बहुत आसानी से बोल देते हैं, बहुत आसानी से हम बोल तो देते हैं कि परमेश्वर बेटा आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। तो हम क्या हम परमेश्वर इच्छा को पूरा कर रहे हैं? यीशु मसीह ने वहां पर त्याग और समर्पण को हमें सिखाया। हमें अब्राहम के जीवन से सीखने को मिलता है कि एक इकलौता बेटा था उसको भी वो जो था बलिदान करने के लिए लेके चले गए। तो परमेश्वर हमें यहाँ पर बलिदान को जो है ना, ये प्रार्थना हमें त्याग और बलिदान को हमें जो है ना सिखाती है कि हम तो परमेश्वर की इच्छा पूरी हम बोलते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन में। जो हम बोलते तो है कि परमेश्वर था आपकी इच्छा पूरी हो, बहुत आसानी से मैंने कहा ना, हम बिल्कुल विद इन कुछ सेकेंड्स में हम इस प्रार्थना को भूल जाते हैं। लेकिन इसका एक छोटा सा भी इस प्रार्थना का यदि एक सेंटेंस भी यदि हम उसके अनुसार अपने जीवन को हम यदि चलाते ना, तो वो परमेश्वर पिता की हम महिमा को करते हैं, अपने अपने दिल से हम परमेश्वर पिता की महिमा को हम करते हैं। आगे यहाँ पर हमें बाइबल बताती है लुका उसका हम 22 उसका जब 42 चैप्टर उसके 42 वर्स को हम यहाँ पर देखते हैं, तो बाइबल हमें बताती है कि हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तो परमेश्वर पिता की इच्छा को क्या हम अपने जीवन में पूरा करते हैं? क्या हम परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करते हैं? आगे यहाँ पर जब हमें इस प्रार्थना को जब पढ़ते हैं, आगे हम जो प्रार्थना करते हैं कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, तो पहले तो मैं इसी बात को समझती थी कि परमेश्वर पिता हमारे जो दिन भर की रोटी जो हमारे को जीवन में जो सांसारिक कार्य को करने के लिए जो हमारे को जरूरी है उस रोटी की बात को हम समझ में समझते थे। लेकिन जैसे जैसे हम जब परमेश्वर के वचन में हम आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये जो रोटी की बात थी ऐसा नहीं कि हम अपनी सांसारिक भूख को मिटाने के लिए हम जो ना कहीं अपने बर्थ राइट को हम बाइबल सिखाती कि ऐसा उन्हें क्या किया था, ऐसा उन्हें जो था अपने बर्थ राइट को उसने दे दिया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सांसारिक रोटी की इच्छा को पूरा करने के लिए कहीं हम कोई किसी गलत काम को तो नहीं कर रहे हैं? तो ये वाली रोटी की बात यहाँ पर कही गई है परमेश्वर ने कि ये परमेश्वर पिता हमें हमारी प्रतिदिन की रोटी दे। तो वो जो प्रतिदिन की रोटी जिसके द्वारा हमारा शरीर चल रहा है उसके साथ साथ ये जो रोटी ना स्पिरिचुअल रोटी है कि मनुष्य जो है सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहेगा लेकिन परमेश्वर के वचन से वो जीवित रहेगा। तो जब इस बात को हम यदि बोलते हैं तो ऐसा तो नहीं कि इसी जो रोटी है इस रोटी के लिए जो सांसारिक भी रोटी जो है ना, तो यहाँ पर दोनों बातें इस वचन के अंदर कि है हमारे पिता तो हमें रोटी दे, तो हम कैसी रोटी को आप ले रहे हैं वो रोटी किस प्रकार से, ऐसा तो नहीं कि हमको जो किसी गलत काम को करने के बाद हम उस रोटी को कमा पा रहे हैं, उसे हम खा पा रहे हैं। और वचन के द्वारा जो कि स्पिरिचुअल रोटी है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से वो जीवित रहेगा। तो परमेश्वर का जो ये वचन यहाँ पर कि दिन भर की रोटी तो हमें हमारी जो देने पाए, तो नीति वचन में इस प्रकार से हमारा वचन लिखा है नीति वचन 30 उसका 8 और 9 वर्ष को जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि व्यर्थ और झूठी बात मुझको दूर रख, व्यर्थ और झूठी बातें जो है मुझसे दूर रहे और ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर, ये परमेश्वर का वचन है। तो कई बार इंसान धनी होने के लिए ऐसा तो नहीं कि हम जो है हम दूसरों के साथ गलत काम को कर रहे हैं। और परमेश्वर की प्रार्थना नीति वचन में ये वर्ष लिखा हुआ है कि व्यर्थ और झूठी बात, ऐसा तो नहीं कि हम इसी लिए झूठी बात को बोल रहे हैं, हम उन बातों को कर रहे हैं जो बातें ही नहीं, तो व्यर्थ और झूठी बातों को परमेश्वर कहा कि तुम हम जो है इनसे इनको दूर रख और मुझे ना तो निर्धन कर और धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाएगा। तो हम परमेश्वर से इस बात को बोले कि परमेश्वर पिता हमसे प्रतिदिन की रोटी जो परमेश्वर का जो सांसारिक रोटी भी है जो हमें सिर्फ ना तो ज्यादा हमें धनी होना ना हमको निर्धन, लेकिन सिर्फ प्रतिदिन की रोटी को हम खाने वाले हो सके और उससे भी ज्यादा परमेश्वर की जो स्पिरिचुअल रोटी जिसके द्वारा हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के कंट्रोल में रहता है। हम अपने
लाइफ को जो है हम परमेश्वर के द्वारा चला पाते हैं, लेकिन कब जब हम इस वचन को बोलते कि परमेश्वर हमें दिन भर की रोटी दे, तो उसका ही जो वचन, उसका जो वचन जिस आज का जो वचन परमेश्वर ने हमारे रखा है, तो ये आज हमारा मानना कि परमेश्वर उस समय मरने को किराया कर देते लोगों के लिए, और हमारा मानना ये भी कि परमेश्वर के वचन जो है ना वो उसके द्वारा जीवित रहते, तो प्रतिदिन का जो है हमारे जो प्रतिदिन के जो वचन है परमेश्वर के, उसके द्वारा हमारा जो जीवन है ना वो परमेश्वर के हाथों में रहता है। स्पिरिट हमें जो है ना वो लीडरशिप करता है कि हमारा मार्ग यही है, तो इसी मार्ग पर जब हमें एक आवाज आती है, तो वो आवाज क्या हमें यदि प्रतिदिन आ रही है तब तो हमें प्रतिदिन की रोटी मिल रही है, लेकिन यदि वो आवाज आने बंद हो गई है तो कहीं ना कहीं हम जजमेंट योरसेल्फ, हम अपने आप को जांचे कि कहीं ना कहीं गलत है, होली स्पिरिट की आवाज क्यों नहीं आ रही है। यदि हम कुछ गलत कर रहे हैं वो हमें आवाज देता है, तो प्रतिदिन की रोटी हमें खिलाया कर, तो यदि हम परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर का वचन ही है जो कि प्रतिदिन के हमारे जीवन की रोटी है, तो आगे परमेश्वर का वचन लिखा है यशाया में, लिखा है यशाया 33 का 15-16 वर्स में लिखा हुआ है कि जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता है, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता और खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही मुझे इस स्थान में निवास करेगा। ये परमेश्वर पिता का वचन है कि यदि हम जो किसी की बुराइयों को ना देखें, हम किसी की बुराई को भी ना करें, और परमेश्वर कहता है कि हम जो है अपने लाभ के लिए हम कुछ गलत काम को ना करें, और यदि हम सीधी बातें बोलने वाले हों, हम जो है सीधी बातों को बोलने वाले हों, तो परमेश्वर का ये वचन है कि हम जो है वह व्यक्ति जो है, और आगे बोलती है बाइबल की वह चट्टानों के घरों में शरण लिए हुए रहेगा और उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना होगी। तो हम जो बोलते हैं ना प्रतिदिन की भी रोटी, तो प्रतिदिन की भी रोटी किसके लिए है? वो चाहे सांसारिक रोटी है और उससे ज्यादा बढ़कर हमारी स्पिरिचुअल रोटी जो परमेश्वर को दे, परमेश्वर पिता हमें वो सांसारिक रोटी भी दे और हमें वो स्पिरिचुअल रोटी जो परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो परमेश्वर किसको देता है? जो कि आंखें मूंद लेते हैं, जो कि बुराई को भी देखते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो भलाइयों को ही करते रहते हैं, परमेश्वर उनको जो है उनके लिए जो है परमेश्वर ने इस बात को रखा हुआ है। आगे जो है परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं कि वो जिस प्रकार हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, उसका मैंने आपको मीनिंग बताया कि परमेश्वर ने होली स्पिरिट ने बताया कि दिन भर की रोटी आज हमें ले क्या है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो पहले तो जो हम जो बोलते हैं कि परमेश्वर ने तेरा राज्य आए, तेरा राज्य, तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं वहाँ पर कि परमेश्वर ने तेरा राज्य आ जाए, फिर वापस हम जो बोल रहे हैं वाली बात को आगे कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, ये पास्ट की बात है, हमें पास्ट टेंस होता है ये वाला, कि हम बोल रहे हैं परमेश्वर पिता कि जिस प्रकार हमने अपना अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और परमेश्वर ने इस बात को कहा कि यदि कोई आता है तो 7x70 टाइम्स तुम उसको माफ करो। तो हम प्रार्थना को तो करते हैं, लेकिन क्या सच में हमने अपने अपराधियों को माफ कर दिया? क्या हमने माफ कर दिया? हम परमेश्वर को बोलते हैं पूरे, हम कुछ सेकंड्स में जो है ना इस प्रार्थना को हम बोल जाते हैं। मैंने कहा कि इस प्रार्थना का यदि एक छोटा सा अंश भी हमारे अंदर हम अपने लाइफ में यदि उसके अनुसार चलते हैं तो हमारे लिए बहुत ही मैसेजफुल होता है। तो परमेश्वर का ये जो वचन यहाँ पर कि वो जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो क्या आज हमने अपने अपराधियों को हमारे साथ जिस किसी ने बुरा किया हो, परमेश्वर का कि तो 7x70 तो अपने अपराधियों को माफ कर। ऐसा नहीं कि तुम एक बार हम उसको माफ करके भूल जाए, परमेश्वर ने कहा कि नहीं तुम 70 बार उसको 70 गुना तुम उसको जो है माफ करो और उसके बाद जो है तुम मेरी बेटी के पास में आओ तो मैं तुम्हारी बहन को ग्रहण करूंगा। तो क्या हम इस प्रार्थना को तो हम बोलते मैंने कहा ना बहुत आसान इसी प्रार्थना को भूल जाते हैं। तो क्या हमने सच में अपने अपराधियों को हमने माफ कर दिया? क्योंकि परमेश्वर तो हमारे अपराधों को माफ कर देते हैं, लेकिन यदि हम अपने अपराधियों को भी माफ कर देंगे ना तो परमेश्वर और भी ज्यादा आपके अपराधों को परमेश्वर पिता ने तो माफ कर दिया, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जब हम पूरी करते हैं ना तो परमेश्वर और भी आपको ब्लेसिंग जो है आपकी लाइफ में होते हैं देते चले जाते हैं। आगे जब हम इस बात को बोलते हैं और हमें परीक्षा में लाभ परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही, ये फ्यूचर की बात हम करते हैं या परमेश्वर से बोलते हैं और हमें परीक्षा में लाभ परंतु बुराई से बचा, कि हमें फ्यूचर में भी हमें किसी परीक्षा में ला, तो परमेश्वर से हमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इस प्रार्थना में हम अपना सब कुछ बखान कर देते हैं परमेश्वर पिता को, और परमेश्वर की हम चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य आ जाए। तो मैं आपको कहा कि परमेश्वर के राज्य में क्या क्या है, और आप जिस बातों की प्रार्थना करते हैं वो भी सुनते हैं कि इनका रिलेशन परमेश्वर के साथ में क्या है। तो यहाँ पर जो आगे मैं बताना चाहूंगी, हम जो बोलते हैं कि परमेश्वर पिता हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, तो यहाँ पर उसमें लिखा है कि क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप जो है वो ढापा गया। तो हमारा परमेश्वर हमारे अपराधों को जो है ढापते
जितने लोगों
प्रार्थना को खुदा प्रभु वर्षों से करते चले आ रहे हैं परमेश्वर पिता, वो प्रार्थना जो हम बोलते हैं वो हमारे अंदर जो है हम अपने आप को बदल कर परमेश्वर पिता जिन शब्दों को हम बोलते हैं आपके वो जो है हमारे द्वारा जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार से पूरे होने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओके, गुड नाइट एवरीवन। हम जो है कल परसों फिर मेरा लाइव है, हम जो परसों के दिन फिर मिलने पाएंगे लाइव मिनिस्ट्री के पेज के ऊपर। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। और एक बार फिर मैं जो है ब्रदर अनुपम डेविड जी को और सिस्टर शबनम डेविड जी को जो है परमेश्वर पिता आपको ब्लेस करे, आपकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करो, जितने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है मुझे अभी, परमेश्वर पिता आप सबों को जो है परमेश्वर बहुत ऐद की आशीष दे, आपकी आपकी जो भी डिजायर है परमेश्वर को उनको पूरा करे। मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबके लिए जो है ब्लेसिंग्स को डिलीवर।